नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनवाणी 1920 में। और हमेशा की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि आपने सूखा हुआ बांस देखा है तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सूखा हुआ ये बांस आप कहीं पर पेड़ के रूप में लगा हुआ देख सकते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं कि बांस बहुत सारे उगे थे, लगे थे और वो अचानक से सूख गए हैं या किसी भी कारणवश सूख गए हैं और आपने सपने में उनको देख लिया है। या फिर कहीं पर याद आप अपने घर में पड़ा हुआ खड़ा हुआ बांस सूखा हुआ देख सकते हैं, या कहीं पर किसी दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में, या कहीं मार्केट में देख सकते हैं, या अन्यत्र भी किसी अवस्था में आपने बांस को सूखा हुआ देख लिया है किसी भी जगह पर, चाहे वो आपकी अपनी जगह हो, एक दूसरे की हो, या कहीं मार्केट में। तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सपने का मतलब बताने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सपने का जो मतलब बताया जाता है हमारे जीवन में वो घटना घटित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सपने जो है अपना फल अवश्य देते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। क्योंकि मित्रों, हमको जब किसी भी चीज़ का फल तुरंत मिल जाता है तो हमको ये लगता है कि हाँ, वो चीज़ जो बताई गई थी सही हो गई। यदि विलंब से मिलता तो हम लोग उसको भुला देते हैं। क्योंकि मित्रों, सपने होते हैं, सपने रात के किस पहर में आप देख रहे हैं, इनके फलित होने की अवधि काफ़ी हद तक उस बात पर ही निर्भर करती है। क्योंकि मित्रों, यदि आप रात के प्रथम पहर में यानी कि 12 बजे के आसपास तो कोई सपना देख रहे हैं, तो यह सपना जो होता है आपको 6 महीने से 1 साल तक वक्त लगा देता है फलित होने में। वहीं यदि आप 12 बजे से 3 बजे के बीच में कोई सपना देख रहे हैं तो यह सपना आपको जो है 4 से 6 महीने में फल देता है। और यदि आप 3 बजे से 4 बजे के बीच में 4:15 के आसपास तो कोई सपना देखते हैं तो यह सपना जो होता है 1 से 1.5 महीने में अपना फल देता है। और यहीं पर यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले कोई सपना देख रहे हैं तो यह सपना जो होता है आपको 24 से 48 घंटे में फल दे देता है, फिर चाहे वो शुभ फल हो या फिर अशुभ। तो मित्रों, सारे सपने फल देते हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि हमको कोई सी सपने का फल न मिले। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सपने में यदि आपने सूखा बांस का पेड़ देख लिया है तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में ऐसा बतलाया गया है कि चाहे कोई किसी भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कोई लड़का हो या लड़की, सपने में सूखा हुआ बांस का पेड़ देखता है तो सपना देखना उसके लिए शुभ नहीं होता है। दोस्तों, यह सपना देखना एक प्रकार से अशुभ स्वप्न माना गया है। दोस्तों, यह सपना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको भविष्य में बहुत सारी अशुभ सी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इसके बारे में ऐसा बतलाया गया है कि आपको एक तो आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान हो सकता है, यानी कि आपका धन कहीं पर डूब सकता है। आप कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, या किसी अन्य रूप में आपको धन की हानि उठानी पड़ सकती है। साथ ही साथ आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो आपके वर्क प्लेस जो होगा, जहां पर भी आप जॉब कर रहे होंगे, वहां का माहौल ख़राब हो सकता है, लोगों से आपकी अनबन हो सकती है, आपके कार्य को लोग अनदेखा कर सकते हैं। साथ ही साथ तरह तरह की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और मित्रों, यहीं पर यदि आप कारोबार करते हैं, अपना खुद का कोई रोजगार कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है, आपके कारोबार में मंदी आ सकती है, या फिर आपका कहीं पर पैसा फंस सकता है, आपको वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ मित्रों, यह आपके परिवार में किसी भी प्रियजन के वियोग का भी जो है सूचक है, यानी कि आपको किसी अपने प्रियजन से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि मित्रों, बांस का सपना देखना शुभ नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यदि आप मैंने ये जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच सके। और मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई सगा संबंधी भी इस सपने का मतलब जान सके तो फिर आप हमारे इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करे।